तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी काफी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक ये जो प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इसके लिए 89% लैंड को एक्वायर कर लिया गया है। फाइनली इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में हो रही है, इसे थोड़ा सॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस है उन्होंने तो एक प्रपोजल पास करा दिया है ग्राम सभा में। इस प्रपोजल के तहत ये लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करने नहीं देंगे। इन 5 विलेजेस के नाम है कालेल, वारकुंटी, कानीवाड़ी, मान और साखरे। इसे भी लेकर मिनिस्टर सभी लोग चिंतित है कि कैसे एक्विजिशन होगा, बट ये कॉन्फिडेंट भी है कि फाइनली ये हो सकता है, बिकॉज पहले आपने देखा होगा कि 17%, फिर 20%, धीरे धीरे बढ़ बढ़कर अभी ये हो चुका है 68.65% महाराष्ट्र में ये बात हो रही है। सो प्रोग्रेस काफी तेजी से हो रहा है और होपफुली ये लोग पालघर के भी डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्विजिशन करने में सफल हो जाए, अगर ये लोग कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रयास करें तो। वैसे गुजरात वाले सेक्शन में तो ऑलरेडी फुल स्विंग में बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, पियर्स लगना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। जल्द ही यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन के स्लीपर्स है उनकी भी टेक्नोलॉजी के साथ हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स रहेंगे उनको जापानीज भी सिखाई जा रही है, सो दैट एक काफी सीमलेस कनेक्शन और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पाए जब जापानीज हमें इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएंगे। वही जापानीज के काम करने का तरीका ऐसा होता है कि उनको सबसे पहले पूरा लैंड एक्विजिशन चाहिए, तब भी उनमें वो इंटरेस्ट बिल्टअप होता है फास्ट कंस्ट्रक्शन का। MHSRCL ये महाराष्ट्र में जो डिले हो रहा है और ये लोग जो एक्वायर करने नहीं दे रहे लैंड, इनके कंपनसेशन के लिए काफी सारे हैंडसम अमाउंट भी देने के लिए तैयार है। रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट ऑफर दिए जा रहा है जो अफेक्टेड विलेजेस होंगे उनको। इसके बावजूद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ये प्रॉब्लम जरा BKC में भी आ रही है, यहाँ पर जो कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर डाल के रखा है, बट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इसे जरा शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इसको भी लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल हर जगह से देखा जा रहा है लैंड एक्विजिशन में। बट होपफुली लेट्स सी कि अभी तक ये जो मार्क पहुंचा है 68.65% तक, तो आने वाले 2-3 महीने में ये कितना पहुंचता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।